अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेम बेक्स रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पास्ता। उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है 2 कप पास्ता, या आप किसी भी शेप में यूज कर सकते हैं, मैंने इस शेप में लिया है। इसके अलावा एक बड़े साइज की शिमला मिर्च, इसे क्यूब्स में काट लिया है। एक बड़े साइज की गाजर, इसे लंबाई में काट लिया है। 3/4 कप मटर, 1/2 कप कॉर्नस, ये फ्रोजन यूज कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश यूज करेंगे तो आप पहले बॉइल कर लीजिएगा। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 अदद टमाटर, इन्हें मैंने छील के काट लिया है। 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून चॉप की हुई लहसुन, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और नमक हसबे जायका। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ते को बॉईल करेंगे, उसके लिए मैंने बर्तन में पानी डाल लिया है। वन टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इससे ये होगा कि पास्ता चिपकेगा नहीं। सबसे पहले पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी में उबाल आ गया है, पास्ता शामिल करेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे। पास्ता बॉईल हो गया है, ये अच्छी तरह से अंदर तक सॉफ्ट होना चाहिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसे बॉईल होने में। अब हम इसे स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। इससे ये होगा कि ये स्टिक नहीं होगा। बर्तन में ऑयल डालेंगे, थ्री टेबलस्पून ऑयल डाला है, चॉप की हुई लहसुन डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई किया है। अब हम टमाटर डाल देंगे, मटर डालेंगे, कॉर्न्स डालेंगे, गाजर डालेंगे, सिरका शामिल करेंगे, सोया सॉस डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि गाजर और मटर सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। क्रीम डालेंगे, मिक्स करेंगे। टोमेटो केचप शामिल करेंगे,
अब इसमें पास्ता शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, तैयार है वेजिटेबल पास्ता। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। दुआ में रखिएगा याद। फी मानिल्लाह।